कार एक बहुत बड़े बंगले के आगे रुकी। आन उस जगह को सीरियसली देखने लगा। वहां बहुत सारी सिक्योरिटी थी। सबसे पहले रजत गाड़ी से उतरा और उसके पीछे आहान और रॉकी भी उतरे। जैसे ही वो गेट के आगे पहुंचे, उन सिक्योरिटी गार्ड के लीडर ने रजत को देखकर स्माइल किया और कहा, वेलकम सर, चोपड़ा सर आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं, मैं इन्हें अंदर लेकर जाता हूं। और इतना बोलकर वो आहान की तरफ देखने लगा। अब तुम्हें यहां आने का पछतावा होगा। रजत की ये बात सुनकर आहान मुस्कुराने लगा। जब वो उस बंगले में घुसा तो उसे एहसास हुआ कि इतने बड़े बंगले में कोई था ही नहीं। आहान इस बारे में सोच ही रहा था कि इतने में रजत ने अपना कार्ड निकालकर दरवाजे के सामने स्वाइप किया, जिससे दरवाजा एलिवेटर की तरफ खुला। चारों लोग एलिवेटर से पांच में गए। जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुला, लाउड म्यूजिक बज रहा था और अलग अलग कलर की लाइट्स फ्लैश हो रही थी। जब सबकी आंखें उन लाइट्स में एडजस्ट हुई, तब पता चला कि वो एक बार था। आहान सब कुछ ऑब्जर्व करके एनालाइज कर ही रहा था कि तभी वहां एक आदमी आया। उसने स्टाइलिश सूट पहना हुआ था और वो काफी यंग और फिट था। उसका नाम अभिषेक चोपड़ा था। उस आदमी को देखकर रजत के एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल गए थे। उसने बहुत इज्जत से कहा, मिस्टर चोपड़ा, मैं इन दोनों को यहां ले आया। तो तुम दोनों हो जो शिमला से आए हो? हाँ, हम ही हैं। तुम में तो बहुत हिम्मत है। विकी भाई कहाँ है? विकी आओ मेरे साथ। कुछ कदम चलने के बाद सब एक जेल के सामने पहुंचे, जिसमें विकी बंद था। उसका पूरा शरीर लहूलुहान हुआ था। विकी की ऐसी हालत देखकर आहान और रॉकी की आंखें खुली की खुली रह गई। उन दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था। रॉकी जैसे ही आगे बढ़कर उस आदमी पर हमला करने वाला था, उसने बंदूक निकाल ली थी। देखते हैं तुम मुझ पर पहले हाथ उठाते हो या फिर मैं बंदूक पहले चलाता हूं। रॉकी अभिषेक को घूरता रहा, पर उसने हमला करने की हिम्मत नहीं की। तभी रजत ने रॉकी को लात मारी और कहा, तुम तो लड़ने में माहिर हो ना, अब लड़ो। फिर उसने आहान की तरफ देखा और कहा, और तुम बहुत स्मार्ट समझ रहे थे ना खुद को, अब बोलो। हाँ, तुम्हें इस बंदूक पे भरोसा है? तुम कहना क्या चाहते हो? अंधे हो क्या? दिखाई नहीं दे रहा कि मिस्टर चोपड़ा के हाथ में बंदूक है? ट्रिगर दबाते ही तुम्हारा काम खत्म, रजत ने हैरान होते हुए कहा। आहान रजत की बातें सुनकर मुस्कुराने लगा। डेजर्ट ईगल 0.357 इंच इन डायमीटर, फायरिंग स्पीड ऑफ 378 मीटर पर सेकंड एंड बॉम्ब कैपेसिटी ऑफ 8। और ये बनी थी 1985 में। क्यों, सही कह रहा हूं ना? अभिषेक बिल्कुल हैरान था। जब से आहान उस बिल्डिंग में आया था, वो बहुत शांत था। अभी बंदूक को देखकर उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं बदले थे। वो इतना कॉन्फिडेंट कैसे था? आहान ने ना में सर हिला दिया। जब आहान ने ना किया तो अभिषेक और भी हैरान और परेशान हो गया। वो अच्छे से जानता था कि इस बंदूक के बारे में किसी को भी आसानी से पता नहीं हो सकता था। अभिषेक ने कंफ्यूज होकर आहान से पूछा, क्या तुम मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग करते हो? आहान ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट देखकर अभिषेक को और भी अजीब लगने लगा। वो सोचने लगा था कि क्या रजत के लिए आहान से पंगा लेना सही होगा? अगर ये सच में मार्शल आर्ट में ट्रेंड है तो फिर इसके पीछे बहुत लोग होंगे। अगर इस आहान को कुछ हो गया तो मुझे और मेरे परिवार के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। अगर तुम वहां से हो जहां से मैं सोच रहा हूँ, तो फिर आज का हादसा बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तुम इस आदमी को वापस लेके जा सकते हो। मिसअंडरस्टैंडिंग? रियली? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अभिषेक समझ चुका था कि आहान इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। अगर मेरे दोस्त के साथ तुम ऐसा करोगे तो मैं तो बदला लूंगा ही। ये मामला अब तभी खत्म होगा जब तुम दोनों के हाथ टूटेंगे। तुम्हें दिखाई नहीं देता अभिषेक के हाथ में गन है और तुम हमारे साथ लड़ने तोड़ने की बात कर रहे हो? इतना बोलते ही रजत ने वहां पड़ा एक हथियार उठाया और रॉकी की तरफ फेंका। तुम्हारी इतनी हिम्मत? इतना बोलते ही आहान ने रजत को कसकर थप्पड़ लगाया, जिसकी वजह से वो उड़कर कुछ कदम दूर जाकर गिरा। ये देखकर अभिषेक को गुस्सा आ गया। ये तुमने क्या किया? यह हिम्मत तुम्हें गोली चलाने की?
आहान ने गुस्से में कहा। यह सुनकर अभिषेक भी अपना आपा खो बैठा और ट्रिगर दबा दिया। गोली हवा को चीरते हुए आहान के आईब्रोज के बीच में थी। उसने खुद को इस तरह बचाया जिसे देखकर सब हैरान थे। अभिषेक की आंखें खुली की खुली रह गई। अभिषेक का दिल जोर से धड़क रहा था। तुम्हें अभी भी गोली चलानी है? यह सुनकर अभिषेक कांपने लगा। उसने अपने घुटनों के बल बैठते हुए डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, रहम करो मुझ पे। आहान का अभिषेक को माफ करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। उसने ना में सर हिलाया और रॉकी से कहा, इसे अच्छे से सबक सिखाओ। जी यंग मास्टर, रॉकी ने जवाब दिया। अब आहान क्या करेगा? क्या अभिषेक और रजत खुद को बचा पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।